दर्शकबिन नमस्कार, हम अमित ठाकुर प्राइम टाइम में अहाँ सबके स्वागत करै छी। एक सप्ताह पहिने नेपालक मीडिया में आ राजनीतिक गलियारा में खूब चर्चा छलै चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भ्रमण के। 23 वर्ष बाद चीन के तरफ से एतेक हाई लेवल के डेलीगेशन एतय आयल छलै, स्वाभाविक छै बातचीत तेज हेबे करतै। अय के विभिन्न चर्चा सब भेलै, शी जिनपिंग एतय छला तखनो चर्चा सब भ रहल छलै, एग्रीमेंट सब साइन क के गेला, 17 MOU, 3 लेटर ऑफ एक्सचेंज, कुल मिला कऽ 20 समझौता कहि सकै छियै, ओहिके चर्चा भ रहल छै। किछु बढ़िआँ किछु खराब, सब अपना अपना हिसाबसँ बातचीत सब कऽ रहल छै। इम्हर आब आबि कऽ विपक्ष ई कहि रहल छै जे कम्युनिस्ट सरकार बेसी आब चाइना दिस उत्तर तरफ बेसी ढलि रहल छै, दुनू दिस बैलेंस नहि भऽ रहल छै, पर राजनीति पर क्वेश्चन उठा रहल छै शुरुआतोसँ, चाहे ओ अमेरिका वेनेजुएला प्रकरण होइ, बीचमे आबि कऽ कनि कश्मीर इशू होइ, नेपालके परराष्ट्र मामिला डिप्लोमेसी क्वेश्चन ठाड़ होते रहे छे। आई अही सब विषय के लक बातचीत करे के लेल हम सब बजेने छियन कुंदन झा जी के, परराष्ट्र मामिला के जानकार छथि, ओना अपना आपके विद्यार्थी कहे छथि परराष्ट्र मामिला के, हुनका संगे बातचीत करे छी। बहुत बहुत स्वागत है अहाँके। धन्यवाद अमित जी। शुरुआत ऐसा करे छी एकदम संक्षिप्त में, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एला, उपलब्धि कतेक बुझाइए अहाँके? देखियौ, ई उपलब्धियोसँ बेसी जे छै से अइके एकटा इतिहास के स्वर्णिम अहाँके जे छै से एकटा मोमेंट हम अहाँ कहि सकै छी। एहि दुआरे कहला कि ई बहुते विरल होइ छै कि इंडियासँ जे नेपालके एकटा सम्बन्ध छै, चाइनासँ आ नेपाल अहाँके क्लोज प्रोक्सिमिटीमे छै, जेना नेपाल चाइना आ भारतके जखन हम अहाँ बात करै छियै तऽ नेपालके सम्बन्ध सब दिनसँ जे छै से असमान रहल छै, असमान एसिमेट्रिक डिपेंडेंस कहल जाइ छै ओहिके, तऽ एकटा एसिमेट्रिकली डिपेंडेंट छै इंडियापर अहाँके नेपाल, तऽ ओहि हिसाबसँ जे छै से चीनके जे ई चांसो छै, चीनसँ जे छै से राष्ट्रपति शी जिनपिंगके जे भ्रमण छै से वास्तवमे जे छै से ऐतिहासिक छै। ई अहू दुआरे छै कि ई एक दू दशकके मात्रे भेल एकटा सामान्य राजनीतिक जे छै से भ्रमण नहि छै, एहिके अहाँके दू देशके जे छै से सम्बन्धसँ जोड़ि सकै छी आओर आबयवला दिनमे नेपालके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धसँ जोड़ि सकै छी, नेपालके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धमे एकटा नया युगके शुरुआतसँ जोड़ि सकै छी। तऽ अहाँ उपलब्धिके जँ बात करबै तऽ हम इहे कहबै कि एखनके लेल शी जिनपिंग जेहन विश्वके एकटा सबसँ प्रभावी व्यक्तित्व सबमेसँ एक, नेपाल एनाइ अपने आपमे जे छै से एकटा बहुत बड़का उपलब्धि छै। आ हमरा जहाँ तक बुझा रहल अइ कि एखनके सरकारके जे पहल सब भऽ रहल छै कि चाइनासँ सेहो एक किसिमके एहन सम्बन्ध बनायल जा जाहिसँ भारत आओर चाइनाके बीच नेपाल जे छै से लैंड लॉक भऽ कऽ नहि कि लैंड लिंक भऽ कऽ जे छै से रहै, तऽ हमरा जहाँ तक हमर ई एकटा अपन अनुभवसँ कहि रहल छी, हमर अध्ययनसँ कहि रहल छी कि ई भ्रमणसँ काल्हिखन ट्राइलेटरलिज्मके ई त्रिकोणात्मक जे एकटा साझेदारी हेतै नेपाल भारत आ चीनके बीच, ओहूके लेल जे छै से ई बहुत ही महत्वपूर्ण छलै। आबयवला समयमे नेपालके परराष्ट्र नीतिमे किछु निखार लाबयके लेल सेहो ई बहुत ज्यादा आवश्यक छलै। अच्छा, सबसँ सामान्य क्वेश्चन ई उठि जाइ छै, कोनो भी वैदेशिक भ्रमण भेल या किछो कोनो इवेंट भेल तऽ नेपालमे सबसँ पहिले ई जोर देल जाइ छै जे पर्यटनमे एकर की फायदा हेतै, जेना भारतके प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अयला तऽ जनकपुर अयला, चाहे काठमाण्डूमे पशुपतिनाथ दर्शन केला तऽ टूरिस्टके इन्फ्लक्स कनि बेसी देखऽमे अयलै, शी जिनपिंग सङ्गे सेहो जोड़ि कऽ आबि रहल छै, शुरुआतमे एहिपर अबै छै, ताहिके बाद आरो दिस जायब, टूरिज्मके हिसाबसँ पर्यटनके हिसाबसँ लाभ भेटयवला अवस्था छै? देखियौ, अवश्य ई जे छै से हमरा जहाँ तक बुझाइए कि ई अहाँके एकटा एहन प्रक्रिया छै कि जाहिमे कोनो भी देशके राष्ट्र प्रमुख अगर कोनो भी देश गेलाके बाद ओहि देशके आतिथ्यसँ प्रसन्न भऽ कऽ या ओहि देशके जे छै से व्यवस्थापनसँ या ओहि देशके जे छै से विभिन्न क्षेत्रसँ अगर प्रभावित भऽ कऽ ओहि देशके बारेमे किछु सकारात्मक बात करै छथिन तऽ ऑब्वियसली ओहि देशमे जे विजिटिंग देशके प्रेसिडेंट, विजिटिंग देशके जे आम सर्वसाधारणसभ होइ छै सेहो सब कोनो ने कोनो रूपसँ आकर्षित होइत जाइ छै। जेना अहाँ कहलिए कि पिछला समय जखन नरेन्द्र मोदी भारतके प्रधानमन्त्री, हमरा बुझाए ओ ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री छथिन, जिनका एहि किसिमसँ एकटा लोकप्रिय प्रधानमन्त्री छथिन, ओ जखन पशुपतिनाथ गेलखिन, मुस्ताङ्ग गेलखिन, मुस्ताङ्गमे जखन ओ अहाँके
ध्यान करऽ लगलखिन तऽ भऽ सकैए ओहि सबसँ एकटा मैसेज जाइ छै कि भारतके लोक चाहिँ नहि प्रधानमन्त्री मोदी जाकऽ अगर ओहिठाम ओहि ठाउँके सुन्दर कहि रहल छथिन, शान्त कहि रहल छथिन, जतऽ जाकऽ लोक जे छै से एकाग्र भऽ कऽ किछु कऽ सकैए, र ऑब्वियसली जे छै से ओहिसँ गाइडेड भऽ कऽ कैला कि डायस्पोराके सेहो एहिमे बात होइ छै। जखन भी कोनो भी मुलुकमे अहाँ हमरा जहाँ तक बुझाए भऽ सकैए चाइनाके बहुत कम पॉपुलेशन नेपालमे होइ, इन्डियाके बहुत कम पॉपुलेशन नेपालमे होइ, लेकिन ईसब चीज जे छै से एकटा आकर्षणके केन्द्रबिन्दु बनै छै। जखन कोनो राष्ट्रके प्रमुख एकटा राष्ट्रसँ दोसर राष्ट्रमे जाकऽ ओहि राष्ट्रके सभ्यताके बारेमे, इवन अहाँके जखन सी जिनपिङ एतऽ नेपालमे अबै छथिन या नरेन्द्र मोदी जखन नेपालमे अबै छथिन तऽ ओसब बुद्धके बात करै छथिन, एहि भूमिके बात करै छथिन। जखन मोदीके सन्दर्भमे तऽ हम अहाँ इवन सीतासँ जे छै से जोड़ि सकै छी। तऽ ऑब्वियसली बुद्धिज्म एकटा एहन अहाँके जे छै से धर्म छै जे चाइनामे जकर बहुत ज्यादा जे छै से फॉलोअर सब छै। तऽ हमरा जहाँ तक हमर व्यक्तिगत अनुभव कहैए, अध्ययन कहैए कि सी जिनपिङके ई भ्रमणके बाद ई दुइ देशके बीचमे अहाँके पर्यटकीय जे एकटा सम्भावना होइ छै सेहो अपार रूपसँ जे छै से आगाँ बढ़तै। आब अबै छी जे 20 समझौता सामान्य रूपमे जे कहल जाइ छै ओना टेक्निकली 17-3 डिवाइड नहि करी, 20 समझौता सब भेल छै, 20 मुद्दा भेल छै, ओहिमे सबसँ विवादास्पद कतौ ने कतौ मुद्दा नम्बर 3 बना देल गेलै जे सुपुर्दगी सन्धि नहि भऽ कऽ ओकर चर्चा छलै, आ एहिमे आब क्रिमिनल ऑफेंसमे साझेदारी हेतै ओतऽके प्रशासन एतऽके प्रशासनसँ, अहाँके की दृष्टिकोण रहल छै एहिपर? देखियौ, ई जे अपने अहाँ एक्स्ट्राडिशनके जे एकटा इंटरनेशनल अहाँके जे छै से अन्तर्राष्ट्रीय कानून रहल छै ओ ऑब्वियसली कनिक अहाँके विभिन्न परिवेशमे अहाँके या विभिन्न देशके अनुरूप परिवर्तन होइत रहै छै। तऽ ई प्रायः जे छै से ई सुपुर्दगी सन्धि ई कहै छै कि अगर अहाँके राष्ट्रमे कोनो विदेशी अगर आबिकऽ अगर कोनो क्राइम करैए या एहन किसिमके कोनो गतिविधि करैए जेके ओहि देशके कानून जे छै से मान्य नहि करै छै तऽ ओ फेरो जाहि देशके ओ नागरिक रहै छै ओकरा ओहि देशमे जे छै से रिटर्न कऽ कऽ ओहि देशके कानून अवस्थाके अनुरूप अहाँके जे छै से सजा मिलैके चाही। लेकिन ई अहाँके जे छै से हरेक देशके बीचमे जे छै से एकटा अलग किसिमके अंडरस्टैंडिंग होइ छै, नेपाल आ भारतके बीचमे अलग छै, चीन आ नेपालके बीचमे एकटा अलग अंडरस्टैंडिंग भऽ सकै छै। तहिना अहाँके अन्तर्राष्ट्रीय जगतमे बहुत देशके जे छै से अगर कानूनसब देखबै तऽ हमरा बुझाइए एहि सबमे जे छै से एकटा विभिन्न चरित्र पायल गेल छै। तऽ एहिके हम अहाँ एहि किसिमसँ सेहो देख सकै छी कि जेना अहाँ एक दूटा एग्जाम्पल देखने हेबै कि बहुत बेर एहन भेल हेतै कि इंडियाके किछु क्रिमिनल सबके नेपालमे पकड़ल गेलै, फेर ओहिके ओकरा जे छै से एज इट इज नेपालमे इंडिया वापस कऽ देल गेलै। कैलाकि ओ क्राइम इंडियामे केने छलै, एहिठाम जे छै से ओ एसाइलम लेने छलै तऽ ओकरा एक्स्ट्राडाइट केलकै एतऽके गवर्नमेंट। लेकिन जखन क्राइम अगर ओ नेपालके भूमि पर आबि कऽ लै छै तऽ ऑब्वियसली जहाँ तक कि हमरो बुझाइए कि ऑब्वियसली ओ ओही देशके कानून बमोजिम ओकरा सजा होबक चाही, ना कि जे एकटा होस्ट कंट्री छै, जे ओकर होस्ट कंट्री छै ओहि देशके कानून बमोजिम। तऽ ई गवर्नमेंटपर डिपेंड करै छै कि एहिके बारेमे ओसब कई किसिमके पॉलिसी बनबै छथिन आगाँ दिनमे, ताकि चीनसँ सेहो बहुत ज़्यादा एहि विषयपर विवाद कऽ कऽ या एहि विषयपर एकटा एहन स्टैंड कायम कऽ कऽ जाहिसँ ओहि सम्बन्धके खतरा भऽ सकै। तऽ हमरा जहाँ तक बुझाइए कि महत्वपूर्ण विषय जरूर छै, लेकिन एकरा जे छै से एकटा मीडिएशनके माध्यमसँ आर्बिट्रेशनके माध्यमसँ समाधान भऽ सकै छै। एहिमे एखनके समयमे हम देख रहल छी बहुत ज़्यादा चिन्ता करैके विषय नहि छै। लेकिन नेपाली कांग्रेस जे प्रमुख प्रतिपक्ष छै ओ कहै छै प्रतिनिधि सभामे हमसब ई बात लऽ जायब सदन खुल्लापर, एके चर्चा करायब, ई सार्वभौमिकता सार्वभौम सत्तापर क्वेश्चन एतै, एक दोसरके क्रिमिनल जस्टिस क्रिमिनल सिस्टम पुलिसके इमहर उमहरके बातचीत छै ओ सदनमे लऽ जाके बात कऽ रहल छै। तऽ ई विरोधके लेल मात्रे विरोध भऽ रहल छै जा वास्तविक रूपमे कनि सेंसिटिव इशू? देखियौ, इशूके हम अहाँ एकेबेर नकारि नहि सकै छी इन द सेंस कि वास्तवमे जखन क्राइमसँ जुड़ल कोनो भी चीज होइ छै, कोनो भी देशके कानून आ ओहि देशके मूल्य मान्यतासँ जुड़ल चीज होइ छै तऽ ई संवेदनशील भऽ जाइ छै। लेकिन एखनके समयमे जँ हम अहाँ एहि पहलूपर देखबै तऽ दू तीनटा चीज ध्यान देबऽ पड़त। एक तऽ नेपाल इंडिया सङ्गे ओपन बॉर्डर शेयर करै छै, आ दोसर बात अहाँके नेपाल जे चीन सङ्गे एकटा एक किसिमके चीनके समर्थन जनेने छै वन चाइना पॉलिसीपर, ओहि वन चाइना पॉलिसीपर सेहो कोनो ने कोनो किसिमके थ्रेट ई ओपन बॉर्डर भेलाके कारणसँ कोनो ने कोनो रूपसँ भऽ सकै छै। तऽ ई विभिन्न किसिमके जे छै से
अहाँके तर्क सबके ध्यान राखऽ पड़ै छै। जखन कोनो भी सरकार एहि किसिमके सन्धि करै छै, कैलाकि अहाँ जखन तिब्बतके बात करै छियै या फेरो दलाइ लामाके बात करै छियै आ फेरो इंडियन गवर्नमेन्टके एक दलाइ लामा प्रतिके जे छै से एकटा सद्भावके बात करै छियै, ओपन बॉर्डरके बात करै छियै, तऽ ई एकटा संवेदनशील विषय नहि छै, सेवला बात नहि छै। लेकिन हमरा जहाँ तक बुझा रहल अइ कि एखन हम अहाँ एहन गंभीर विषय सबपर छलफल करनाइ जरूरी नहि छै से नहि छै, लेकिन एहि विषय सबके कारणसँ आओर जे महत्वपूर्ण विषय सब छै जे हम अहाँ चाइनासँ जे छै से जे किसिमके एकटा द्विपक्षीय सन्धिसँ या द्विपक्षीय समझौतासँ जे किसिमके फायदा सब लऽ सकै छी, ओहिके महत्व बेसी छै एखनके समयमे हमरा जहाँ तक बुझा रहल अइ। आ ई जे विषय छै से सिक्योरिटीसँ सेहो जुड़ल छै, सुरक्षासँ सेहो जुड़ल छै, तऽ एहिमे दुनू देशके सुरक्षा निकाय अगर सचेत रहै छै तऽ हमरा जहाँ तक बुझाइए नेपालके सुरक्षा निकाय कमजोर नहि छै। अगर बहुत ज़्यादा जे छै से अंतर्राष्ट्रीय जगतमे अहाँ अगर देखबै तऽ नेपालके सुरक्षा निकाय इवन जे छै से वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड एंड वन ऑफ द मोस्ट अहाँके जे छै से विश्वासिलो, हम अहाँ जे कहै छी विश्वास करैवला जे छै से एक किसिमके वातावरण छै नेपालके सुरक्षा व्यवस्थापर, तऽ ओहि किसिमसँ हम अहाँ ई कहि सकै छी कि एखन एहि चीजके जिम्मा दुनू देशके जे छै से अपन अपन कानूनके हिसाबसँ जँ होइ तऽ कोनो भी दिक्कत नहि छै। एखन हम अहाँ जे छै से डेवलपमेंट पर्सपेक्टिवपर विकासके जे छै से विभिन्न आयामपर जँ चीनसँगे सहकार्य करी आ एकटा असमान रूपसँ जे छै से जे सम्बन्ध नेपाल इंडियाके बीचमे जे बढ़ि रहल छै तऽ ओहिके एकटा समदूरीके सम्बन्धमे परिणत करऽमे हमरा जेना बुझाइए कि ई विषय सब बेसी महत्वपूर्ण रहतै। आब अबै छी जेना विकासके बातपर अयलै, एहि MOU सबमे समझौता सबमे बहुत बात सब अयलै, जेना सबसँ बातचीत चलिके अयलै जे नेपाल चाइनाके रेल विस्तार करल जाय, ने सीमा नाका सब उमरसँ खोलल जाय, व्यापारिक दृष्टिकोणसँ आरो एकरा बढ़िआँ बनायल जाय, रेलके बात कतेक फिजिबल छै एखनका कंडीशनमे? ई जे छै से एकटा बहुत ही इम्पोर्टेन्ट प्रश्न अहाँ पुछलहुँ कि वास्तवमे जे केरुङ काठमाण्डू रेलवेके जे बात भऽ रहल छै, जे हमरा बुझाइए कि वन ऑफ द मेजर आकर्षण रहल छै नेपाल चाइना सम्बन्धके, जखन हम अहाँ दोसर डायमेंशन देखबै या फरक डायमेंशन देखबै एखनके युगमे आबिकऽ या ई नेकपा सरकार बनलाके बाद, तऽ ई एकटा संवेदनशील विषय सेहो छै। लेकिन जखन हम अहाँ कोनो भी कनेक्टिविटीके बात करै छी तऽ सबसँ पहिने हम अहाँ ओहिके सस्टेनेबिलिटीके जे छै से सेहो ओ दिगो छै कि नहि छै, ओ काल्हिखन जे छै से अल्पकालीन मात्रे तऽ नहि रहतै, ईसब विषयपर जे छै से सोचनाइ बहुत ही महत्वपूर्ण छै। कैलाकि नेपाल के जे भेगसँ ई हम अहाँ जे ई रेल मार्गके बात कऽ रहल छी से एकदम ही संवेदनशील क्षेत्रमे छै, तऽ ओहिठाम कोन लेवलसँ जे छै से पर्यावरणिक रूपसँ क्षति नहि पुर्याकऽ, कैलाकि नेपालमे अहाँ जँ ध्यान देने हेबै या अध्ययन कयने हेबै तऽ 2072 सालके जे छै से भूकम्पके बाद, महाभूकम्पके बाद एकटा चीज ई जरूर प्रश्न भऽ गेलै कि नेपालके इन्वायरमेंटल सेक्टरसँ अहाँ बहुत ज़्यादा जे छै से खेलवाड़ नहि कऽ सकै छी या पर्यावरणसँ बहुत ज़्यादा खेलवाड़ नहि कऽ सकै छी। लेकिन हमरा जहाँ तक बुझाइए आ विश्वास सेहो अइ कि चाइना के डेवलपमेंट के एकटा आयाम इहो छै कि ओ सस्टेनेबल डेवलपमेंटके केयर करै छै। जेना अहाँ जखन किछु कंट्री सबके दोसर कंट्री सबके बात करबै, कोरियन पेनन्सुलामे जखन अहाँ चलि जाइ छी, जखन नॉर्थ कोरियाके अहाँ देखबै आ चाइनाके जरूर ओ कोनो ने कोनो रूपसँ भऽ सकैए चाइनासँ सपोर्ट लैत हेतै नहि लैत हेतै ओ अलग बात छै, लेकिन अहाँके चाइनाके डेवलपमेंटके पैराडिम अगर अहाँ देखै छी आ नॉर्थ कोरियाके डेवलपमेंटके पैराडिम अगर अहाँ देखै छी तऽ चाइना इज मोर सस्टेनेबल इन नेचर, चाइनीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सब जे छै से मोर सस्टेनेबल छै। जेना चाइनाके बहुत शहर सब एहन बनायल गेल छै जकरा घोस्ट सिटी सब कहै छै, जे चाइना काल्हिके दिनमे अगर ओकर कोनो मेजर सिटीमे बहुत बड़का अहाँके अगर क्षति भऽ जाइ छै या भूकम्पके कारणसँ या कोनो आओर प्राकृतिक प्रकोपके कारणसँ, तऽ ओ पूरे सिटीके जे छै से एकटा दोसर घोष सिटी जे ओसब बना कऽ रखने छै ताहिमे जे छै से अहाँके ओसब ट्रांसफर कऽ सकै छै। तऽ ओकरा सब लग अपन एकटा योजना जरूर हेतै, जे हमरा जखन बुझा रहल अइ कि एहि सन्धिमे या एहि बेरके जे शी जिनपिङ्गके भिजिट छलै तऽ ओहिमे मोस्टली हम अहाँ जखन केरुङ चाइना केरुङ आ काठमाण्डूके रेलवेके बात जखन केलियै तखन हम अहाँ केन्द्रित रहलियै एहिके DPR पर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एकर केहन अबै छै, ओ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अयलाके बादे हम अहाँ कहि सकै छी कि एहिके अध्ययन या एहिके जे सम्भाव्यता अध्ययन जे छै से कयलाके बाद मात्रे हम अहाँ ई प्रोजेक्ट कतेक उचित छै नहि छै ताहिपर जे छै चर्चा कऽ सकै छी। एखन ई एकटा महत्वाकांक्षी
प्रोजेक्टके रूपमे छै, आ जहाँ तक अगर ई चीज सम्भव होइ छै तऽ एहिसँ नेपालके बहुत ज्यादा फायदा हेतै। एहिमे जँ यदि सम्भाव्यताके बात करी तऽ चाइना अपन देशमे विभिन्न हाई अल्टिच्युड पर सेहो बना चुकल छै, रेल कनेक्टिविटी कऽ चुकल छै, तऽ कतौ ने कतौ पॉसिबिलिटी तऽ छै, लेकिन क्वेश्चन मार्क एतऽ अबै छै जे नेपालके पोलिटिकल सिस्टम कहियौ या ब्यूरोक्रेसी कहियौ जे कहियौ, एगो रेल सबसँ पुरान रेल छै जनकपुर जयनगर, सब चीज भऽ गेल छै लेकिन अहाँ चालू नहि करा पाबि रहल छी, कि अहाँके इंटरनल प्रॉब्लम अइ अहाँ जनबै, जे इजी छै जे तैयार भऽ कऽ रेडी अइ ओ अहाँ नहि रेडी कऽ पाबि रहल छी, आ जेना अहाँ कहली जे महत्वाकांक्षी बात ओहिपर अहाँ टारगेट कऽ रहल छी, ओकरा अहाँ खूब हाइप क्रिएट करवा रहल छियै, जे पॉसिबल छै ओहिपर ध्यान देबऽ पड़लै, से एक तरहसँ बात आबि रहल छै, तऽ एहिमे केना कऽ कऽ बैलेंस बनाओल जा सकैए? देखियौ, ई बहुत ही जरूरी छै कि देखियौ कोनो भी देशके जे समस्या होइ छै से ओहि देशके सामाजिक परिवेशसँ जुड़ल रहै छै। हमरा बुझाइए कि ई बात हम बहुत ठमन रखने छियै, जतय हमरा बाजयके, जतय हमरा जे छै से मौका भेटल अइ अपन बात शेयर करयके, कि नेपाल एकटा एहन राष्ट्र छै जतय अहाँ ठैक्क कोनो भी चीजके कॉपी पेस्ट कऽ कऽ जे छै से प्रयोगमे नहि लाबि सकै छी। ई दिस इज नॉट अमेरिका, ई अमेरिका जकाँ जे छै से डेवलप नहि छै कि एहिठाम कोनो भी प्रविधिके अहाँ तुरन्त आनि कऽ जे छै से एकदम सुपरहिट बना सकै छी, या चाइना जकाँ ओतेक डेवलप नहि छै, या अहाँ साउथ कोरियाके बात कऽ सकै छी। लेकिन जखन हम अहाँ ई रेल कनेक्टिविटीके जे बात करै छियै तऽ ई रेल कनेक्टिविटी जे छै से इंडिया आ नेपालके जोड़ै छै, तऽ ऑब्वियसली गवर्नमेंट एहिपर सचेत होनाइ ओतबी जे छै से अहाँके आवश्यक छै। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूपसँ अहाँके हम की देखै छियै कि कतौ ने कतौ आबिके जखन एहि भूमिके, एहि भूभागके जखन बात अबै छै तऽ सरकारके जे छै से किछु प्रोजेक्ट सब जे छै से बहुत पाछा रहि गेल छै। जेना महत्वाकांक्षी छै एकटा, आओर अहाँके पानी जहाजके जे छै से एकटा कार्यालय खुलि गेल छै, ओहिमे महानिर्देशक सेहो नियुक्त भऽ गेल छै, तऽ एकटा विभाग जकाँ ऑटोनोमस डिपार्टमेंट जकाँ जे छै से ओ किछु दिनमे काम करतै, आ ओहिके सेहो सम्भाव्यता अध्ययन बनल छै। तऽ ई एकटा महत्वाकांक्षासँ जुड़ल छै, बढ़िआँ छै। जखन अगर हम अपन अहाँ देशमे, अगर कोनो देशके समुद्रमे अगर नेपालके सिप चला सकै छी, तऽ बहुत बड़का बात छै। लॉ ऑफ सी जे छै से एक ग्रांट करै छै परमिशन, लेकिन फॉर दैट अहाँ भीतरमे सेहो सशक्त होबऽ पड़लै, अहाँ लग जे चीज अइ ताहिके अहाँ माइनस कऽ कऽ जे छै से आगाँ नहि बढ़ि सकै छी। तऽ गवर्नमेंटके हमरा जहाँ तक बुझाइए कि एकटा गंभीर ध्यान आकर्षण होबक चाही अहू विषय सबपर, कि इहो एकटा कनेक्टिविटी ऑप्शन छै आ जे अहाँके लोकके भावनासँ जुड़ल छै। एहिसँ बहुत ज्यादा हम अहाँ व्यापार तऽ नहि करै छियै, लेकिन ई एकटा अहाँके एहन रेल कनेक्टिविटी छै जे इतिहाससँ जुड़ल छै, जे अहाँके जे छै से माता जानकीके जे छै से जे एकटा भारत सङ्गे जे किसिमके सम्बन्ध रहै, या हुनकर कहि सकै छी हुनकर ससुरारिके रूपमे कहि सकै छी भारत आ नेपालके ओ बेटी रहथिन, तऽ एहि चीजके जोड़नाइ जे छै से हमरा बुझाए कोनो ने कोनो रूपसँ उचित हेतै। तऽ यथाशीघ्र जँ ओहिके काम भऽ जाए आ गवर्नमेंट एहिपर अगर सकारात्मक भऽ कऽ एहिपर पहल करै, तऽ हमरा जहाँ तक बुझाइए कि इंडिया एहिके इंजिन दऽ चुकल छै या कमिट कऽ चुकल छै कि एहि बॉगीके लेल बॉगी नेपाल बना रहल छै। तऽ ई बहुत समय लागि रहल छै हमरा बुझाइए कि ई बहुत ही एहि प्रदेशके लेल बहुत ही गौरवशाली समय हेतै जखन ओ अहाँके जे छै से कार्यान्वयनमे हेतै, या जखन जयनगर जनकपुर रेलवे हम अहाँ फेरो सुचारू रूपमे देखबै। आ ई एकटा आओर एकटा एकर महत्वपूर्ण पक्ष ई छै कि हम अहाँ देखने हेबै कि रेलसँ अहाँके जखन हम तखन भावनाके बात कयली, तऽ हम अहाँके इहो देखऽ पड़त कि ओ इतिहासके एकटा बहुत ही सुन्दर जे छै से घटनासँ जुड़ल छै। ई जयनगर जनकपुर रेलवेके जखन हम अहाँ बात करै छियै, तखन ई एकटा एहन उद्देश्यसँ स्थापित रेलवे रहै जाहिसँ सेहो व्यापार भेल रहै। ई राणाकालीन समयमे जनकपुर रेलवेके जे छै से स्थापना भेल रहै, ओहि समयमे एहिठामके वन जङ्गल फड़ानी कऽ कऽ सखुआ टीक आ सीसोके जे छै से काठसब अहाँके एहिठामसँ कलकत्ता होइत विभिन्न देश तक जाइ, तऽ ऑब्वियसली एकरो जे छै से कोनो ने कोनो उद्देश्य जरूर रहै अहाँके, कि इकोनॉमिक कोलैबोरेशन या कहि सकै छी जे छै से नेपालके। अच्छा, एहिमे उचित ध्यान नहि दिया रहल छै से बात स्वीकार कयल जा सकै छै? ऑब्वियसली एहि दुआरे कयल जा सकै छै, कैलाकि हमरा बुझा रहल अइ कि प्रदेशके ई केन्द्रके जे मन्त्रियो छथिन से एखन एहि धनसाके छथिन, एहि भूमिके छथिन, तऽ अगर ई चीज एखनो सम्भव नहि भऽ पाबि रहल छै तऽ एहिमे कतौ ने कतौ सरकारके बहुत ही अहाँके जे छै से नकारात्मक या कहि सकै छी अहाँके भूमिका रहल छै, कैलाकि भऽ सकै छै एहि ठाउँ प्रति जे छै से ओसब पॉजिटिव नहि छथिन। एगो आरो बात बहुत जोरसँ चर्चामे अबै छै जे
चाइना के डेवलपमेंट के जे पेस छै ओकर अपन कंट्री के भीतर में कोनो प्रोजेक्ट होय या तो टाइम पर कंप्लीट करै छै या टाइम से पहिले करै छै डिले ओकरा सब में रेयर केस छै। नेपाल में वह चाइनीज एड से जे प्रोजेक्ट सब जे होय छै चाहे वो काठमांडू के चक्रपथ के बात कहियो या विभिन्न सड़क के बात कहियो जे कहियो ओ नेपाल के ब्यूरोक्रेसी या सिस्टम कथु कारण से डिले होइत जाय छै। एतेक हम अहाँ एग्रीमेंट के लिए डेवलपमेंट करय के छै चाइना हेल्प करते एना करते ओना करते हमर अहाँ के सिस्टम सक्षम नहीं छै तो फिर से वह डिले हेतै जे बेनिफिट पाँच साल पहले भेटे के चाहिए पाँच साल लेट भेटते तो एतेक एग्रीमेंट सबके केना सार्थक बनेबे। हमरा देखियो ई की छै कि देखियो नेपाल के एकटा सामाजिक परिवेश में सेहो बहुत बड़का अहाँ के समस्या सब नुकायल छै। अहाँ के ई चीज जैसे जैसे स्वीकार करय पड़त आ जहाँ तक अहाँ चाइनीज एड के बात करबै तो चाइनीज एड जे दोसर साउथ एशियन कंट्रीज सब में छै ओई के अनुपात में नेपाल में नगण्य छै। अहाँ जँ बांग्लादेशमे देखबै पाकिस्तानमे देखबै या श्रीलङ्कामे देखबै तऽ ओहिके अनुपातमे तऽ चाइनीजके एड एहिठाम नेपालमे आयलै नहि छै। इवन हमरा बुझाइए एखन जे अनुदान चाइना नेपालके देलकै यऽ से कम्पेरेटिवली बहुत ही कम छै जे ओ दोसर साउथ एशियन कंट्रीज सबके दै छै ओहि अनुपातमे। हँ जहाँ तक अहाँके बात रहलै कि एहिके फास्ट केना कयल जा सकै छै कोनो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जे होइ छै चाइनीज गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट तऽ ओहिके फास्ट केना कयल जा सकै छै तऽ ओहिमे हमर अहाँके समाजके सेहो जे छै से सकारात्मक भूमिका आगाँ आबय पड़तै। एहि दुआरे सकारात्मक भूमिका आगाँ आबय पड़तै कि रिंग रोड के वास्तविक हमर अहाँके काठमांडूमे जे घर अइ से रिंग रोड के बगलमे तऽ हम ओहिके जे छै से भुक्तभोगी रहल छी कि ओ रोड जे नहि बनलाके कारणसँ हमसब कते धुआँ धक्कर आ धूल खेने छी समयमे नहि बनलाके बारेमे ओहिके जे छै से हम एखन अहाँके नहि कहि सकै छी कि हमरा सबके कते ज्यादा कठिनाइ भेलै लेकिन ओहिके कारण चाइना गवर्नमेंट कहबै ई जे छै से हमरा अहाँके कनि कमी कमजोरी भऽ जेतै। एहि दुआरे कहलहुँ कमी कमजोरी भऽ जेतै कैलाकि कहियो कालके अहाँके जँ देखबै तऽ ओ कॉन्स्टेंट चाइनीज गवर्नमेंट के सुपरविजन में रहल प्रोजेक्ट छै लेकिन एतय के ठेकेदार एतय के लेबर के काम करके शैली आ प्लस अहाँ के एकटा कोनो भी प्रोजेक्ट प्रति के झुकाव ई सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज छै। हमरे अहाँ के गलती भऽ गेलै ने मान लियो एड आबि रहल छै चाहे किछु भऽ रहल छै प्रोजेक्ट छै तऽ ओहिमे हमर अहाँ के सुपरविजन कहियो हमर अहाँ के समाज के भूमिका कहियो गवर्नमेंट के भूमिका कहियो ऑब्वियसली ई हम एहि दुआरे कहि रहल छी कि यू हैव एकटा चीज अहाँ के की बुझऽ पड़त कि चाइनीज एड रीचेज इंडिया नेपाल वेरी फास्ट इन कम्पेरिजन टू नेपाल नेपाल के इंडिया के कम्पेरिजन में अहाँ के चाइनीज एड जे छै ने से नेपाल बेसी जल्दी पहुँचे छै। ई हम एहि दुआरे कहि रहल छी कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट प्रणब मुखर्जी जखन एहिठाम आयल छलखिन जनकपुर में तहिया जे बात सब कहने रहथिन या जे एड जनकपुर के देव कहने रहथिन से एड तक एखन तक एतय नहि आयल छै। हाँ मतलब एतय नहि आयल छै इन द सेंस जनकपुरमे नहि आयल छै या 100 करोड़ रुपया जे जनकपुर उप महानगरपालिकाके देबयके रहै या जनकपुर विकासमे देबयके रहै सेहो एखन तक नहि आयल छै। आब आबयके हम सुनि रहल छी कि एहि सालमे आबि जेतै तऽ ऑब्वियसली चाइनीज एड बेसी जल्दी पहुँचै छै लेकिन काम तऽ अहाँके गवर्नमेंटके इंडियन गवर्नमेंटके एड होइ चाहे चाइनीज गवर्नमेंटके एड होइ लेकिन एक बेर ओ पैसा आबि जायत तऽ अहीँके लोकली जे छै से ओहिके हैंडल करय पड़त तऽ जहाँ जबत जाबे तक एहिठामके नेता सबमे एकटा अहाँके सेल्फ कैरेक्टर डेवलप नहि हेतै कि ई चीज हमरा एहि दुआरे भेटल अइ कि हम अपन देशके विकास कऽ सकै छी अपन विकास नहि तऽ हमर अहाँके सोशल सिस्टमके भीतरमे सेहो समस्या सब छै। ठीक छै कि हम अहाँ कोनो ने कोनो रूपसँ भटकि जाइ छी अपन मेन उद्देश्य जे रहै छै ओहिसँ अहाँके टिल्ट भऽ जाइ छी। दर्शकवृन्द एखन छोट छिन व्यावसायिक विश्रामके समय भेल अछि। विश्रामके बाद ई चर्चा आगाँ बढ़ेबे करब। व्यावसायिक विश्रामके बाद प्राइम टाइममे फेरसँ स्वागत कऽ रहल छी। आइ बातचीत भऽ रहल छै नेपालके परराष्ट्र नीति परराष्ट्र सम्बन्ध खास कऽ कऽ एखन जे चाइनाके राष्ट्रपति शी जिनपिङ जे आयल छलाह ओहिके बाद जे चर्चासब भऽ रहल छै आओर जे उम्मीदसब छै ओहिपर केना कऽ कऽ बढ़िआँ जकाँ आगाँ बढ़ल जा सकै छै परराष्ट्र नीतिपर खास कऽ कऽ बातचीत भऽ रहल छै। हमरासबके साथमे छथि परराष्ट्र मामिलाके जानकार कुन्दन झाजी हुनका सङ्गे चर्चा कऽ रहल छी। कुन्दन जी ब्रेकसँ पहिले चर्चा सब भेल छलै एडके बात भऽ रहल छलै एगो चीज आरो एहिमे आबऽ पड़तै चर्चा खूब आब होबय लगलै जे चाइनाके झुकाव आब बेसी भऽ रहल छै दुनू देश कम्युनिस्ट पार्टी छै ओतौ कम्युनिस्ट शासन छै एतौ आब कम्युनिस्ट पार्टी लीड कऽ रहल छै एतय के प्रजातन्त्र
भिजिट सब सेहो आब लगालाग बढ़ लगलै हँ। प्रेसिडेंट आबे से पहले हो एतय से प्रतिनिधिमंडल गेल छल ओतय से आबिके एतय थॉट सब सेहो स्कूलिंग सब सेहो कतौ ने कतौ प्रशिक्षण के बात सब एलै प्रोग्राम भेलै तऽ आब एतय से सेहो जाय लगलै हँ तऽ आब कतौ ने कतौ क्वेश्चन उठि रहल छै चाइना दिस अहाँ बेसी टिल्ट भऽ रहल छियै एहिमे आब नेपाली कांग्रेसो क्वेश्चन कऽ रहल छै अलग अलग नागरिक समाजसँ सेहो क्वेश्चन आबि रहल छै तऽ एगो इंटरनल क्वेश्चन आबऽ लगलै देश भीतर आ दिल्ली कऽ केना कऽ कऽ देखैत हेतै एकरा। ऑब्वियसली ई एकटा एकदमे गम्भीर बात अहाँ जे छै से उठेलहुँ हँ, लेकिन हमरा जहाँ तक बुझा रहल अइ कि ई एखन ओहि स्टेज पर नहि गेलै जतऽ अहाँके जे छै से हमरा अहाँके या देशके पर राजनीतिके चिन्ताके विषय भऽ जाइ। ई एहि दुआरे हम कहि रहल छी कि नेपालके इतिहासके जे छै से विभिन्न कालखण्ड अहाँ देखियौ, नेपाल चाइना सम्बन्ध सब दिनसँ रहल छै लेकिन ओ प्रभावशाली नहि बनि सकल छै, तऽ ओहिके प्रभावशाली बनबैके समय आबि गेल छै। तऽ कम्युनिस्ट विचारधारा दुनू भी दुनू देशमे भेलाके बाद जँ ई चीज भेलै तऽ ई स्वाभाविक छै। लोकतान्त्रिक जखन मूल्य मान्यताके बात होइ छलै या लोकतान्त्रिक अहाँके जे छै से एकटा अभ्यासके जखन बात होइ छै तखन हमरा बुझाइए कि भारतके कंट्रीब्यूशनके सेहो नहि नकारल जा सकै छै नेपालमे। तऽ इन द सेम वे अहाँके कहि सकै छी वाइसे वर्षा छै कि झुकावके अनुसारसँ सेहो एक किसिमके सम्बन्ध जे छै से डेवलप होइ छै, लेकिन एखनके समयमे ई नेपालके लेल आवश्यक छलै। अहाँ नेपालके ओवरऑल ट्रेडके जे एखनके अगर अध्ययन करबै अहाँ तऽ नेपालके एक्सपोर्ट आ इम्पोर्ट दुनू मोर देन 60% जे छै से भारत सङ्गे मात्र छै। तऽ ई देखा रहल छै कि हम अहाँ असमानताके तरफ असमान सम्बन्धके तरफ बढ़ि रहल छी, कैलाकि हम अहाँ एहि सम्बन्धसँ बहुत ज्यादा जे छै से लाभान्वित नहि भेल छियै। हम भारत एकटा पैटर्न स्टेटके रूपमे जे छै से हमरा अहाँपर हावी रहल अइ, जखन कि हम अहाँ एकटा क्लाइंट स्टेटके रूपमे रहि गेल छियै। तऽ क्लाइंट भेलाके कारणसँ कहियो कालके की भऽ जाइ छै कि पैटर्न आ क्लाइंट रिलेशनशिपमे पैटर्न ताबे तक हावी होइ छै जाबे तक क्लाइंट लग डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शन नहि रहि जाइ छै। तऽ हमरा बुझाइए कि नेपालके लेल एकटा बढ़िआँ समय छै कि नेपाल एकटा ऑप्शनके जे छै से मैनिपुलेट कऽ सकैए, एहि मैनिपुलेशनसँ नेपालके नेशनल इंटरेस्ट राष्ट्रीय हित जे छै से कोनो ने कोनो रूपसँ ओहिके जे छै से संरक्षण हेतै ओहिके प्रवर्धन हेतै। हम ई एहि दुआरे नहि कहि रहल छी कि हमरा सेहो बहुत ज़्यादा चाइनीज गवर्नमेंटके तरफ या इंडियन गवर्नमेंटके तरफ झुकाय पे, हम एकटा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धके अध्ययन करयवला विद्यार्थीके नातासँ कहि रहल छी कि नेपाल जै किसिमसँ जै भौगोलिक परिवेशमे छै नेपालके लेल बहुत जरूरी छै कि विभिन्न राजनीतिक अहाँके विचारधाराके बावजूद अहाँके भारत चीन सङ्गे जे छै से एकटा समदूरीके सम्बन्ध कायम रखनाइ एकदम आवश्यक छै। तऽ ई गवर्नमेंटके एखन समय नहि अयलै क्रिटिसाइज करैके, कैलाकि जँ लोकतान्त्रिक अभ्यासमे अगर लोकतान्त्रिक दल सब इंडिया जाइ छै तऽ चाइनीज कम्युनिज्मके अभ्यास करऽ अगर एहिठनके कम्युनिस्ट नेता सब एक दोसरके देशमे अगर जाइ छै तऽ ई अहाँके जे छै से हमरा बुझाइए कि कोनो भी एहिके हम अहाँ बहुत नकारात्मक रूपसँ नहि लऽ सकै छी, कैलाकि ई जनरल प्रैक्टिस रहल छै। अच्छा, मतलब मानि लिअ एकरा एहना कऽ कऽ बुझल जा सकै छलै जे आमतौरपर शुरुआतेसँ जे बात कहबै बेसीतर इंडिया सङ्गे विजिट होइ छलै ने, आब एखन जँ यदि किछु नया होबय लगलैए चाहे जे भऽ रहल छै तऽ ओकरा अनौठोके रूपमे मानि लियौ या जे एक हिसाबसँ ट्रेडिशन कहियो पोलिटिकल ट्रेडिशन बनि चुकल छलै तऽ शायद ओहि ग्रुपके नहि नीक लागि रहल छै कि या किछु तेहन ताहि हिसाबसँ देख सकै छी। हमरा जहाँ तक बुझाइए कि इवन अहाँके जे छै से सङ्घके प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसके हरेक गवर्नमेंट ट्राई कयने छलै कि चीनसँ एकटा हेड ऑफ द स्टेटके जे छै से विजिट होइ, तऽ ई एखन अहाँके ई समय जे छै से हमरा नहि बुझाइए कि नेपाली कांग्रेस आइडियोलॉजिकल बायसनेसके कारण कोनो भी एकटा मत पपुक सकैए कि ई गलत भऽ रहल छै, कैलाकि हम अहाँ जे छै से प्रयास कऽ रहल छली आइसँ नहि, हमरा बुझाइए संविधान अन्तरिम संविधानके समयसँ 2062-63 के समयसँ एखन तक जखन नेपालमे जखन नया संविधान बनलैए तऽ ओहि संविधानमे विभिन्न चुनौती आ समस्यासभ छै, हम ओहि दिस बेसी नहि जायब, लेकिन ओ संविधान अहाँके एतेक एम्पल ऑफ स्कोप्स देने छै अहाँके नेपालके गवर्नमेंटके अपन नीतिसभ सुधार करयके ओहि नीतिके कार्यान्वयन करयके, तऽ ओहि तहत अगर जाकर नेपालके परराष्ट्र मंत्रालय एकटा कोनो जे छै से गतिविधिसभ आगाँ करै छै तऽ ओहिमे नकारात्मक नहि होइत। आ हम अहाँके आओर एकटा विशेष एक दूटा बातपर ध्यान आकर्षण करायब, जेना इंडो पैसिफिक रीजनमे सेहो नेपाल जे छै से कोनो ने कोनो रूपसँ एकटा भूमिका
मे नहि होइतो जे छै से ओहि विषयके गम्भीरतापूर्वक जे छै से परराष्ट्र मन्त्री होइ, परराष्ट्र मन्त्री अहाँके जखन अमेरिका गेलखिन तखन जे छै से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिकाके हुनकासँ जे छै से किछु समझौतासभ सेहो भेल छलै, ओहिमे इन्डो पैसिफिक रीजनके बारेमे सेहो बात सब आयल छलै, आ ओहिमे नेपाल हमरा जहाँ तक बुझाइए कि इन्डो पैसिफिक रीजनमे जे छै से सेहो एकटा सचेत भूमिका निर्वाह कऽ सकैए, ताहिसब बारेमे जे छै से बहुत चर्चा भेलै। नेपाल एकटा प्रतिबद्धता सेहो जनेलकै कि हमरसभके जे कोनो भी राष्ट्रसँगे जे सम्बन्ध छै से कोनो भी इन्डो पैसिफिक स्ट्रेटेजीके नहि कि ओ नेपालके राष्ट्रहितके लेल छै। तऽ हमरा जहाँ तक बुझाइए कि नेपाल बैलेंस कऽ कऽ चलि रहल छै एखन, एहि दुआरे कहि रहल छी बैलेंस कऽ कऽ कि जँ अहाँ देखबै तऽ इवन अमेरिकन राजदूत सेहो नेपालमे एखन बहुत सक्रिय छथिन। अहाँ देख सकै छी कि ओ विभिन्न टॉक शोपर जा रहल छथिन, ओ विभिन्न नेतासभके पूर्व प्रधानमन्त्रीसभके घरमे जा रहल छथिन। तऽ ऑब्वियसली हुनकर सभके एकटा इन्टरेस्ट छै जे ओहि राष्ट्रके हितमे छै, हमर अहाँके राष्ट्रके हितमे की छै ई बुझनाइ बहुत जरूरी छै। इएह विषयमे एगो चीज आरो जोड़ै छी जे बहुत चर्चाके विषय बनल छै विश्वमे, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ने वन बेल्ट वन रोड कहल जाइ छै, सिल्क रोड कहल जाइ छै, जे नाम दऽ दियौ, ओहिमे नेपाल सेहो सहभागिताके लेल बातचीत सब आबि रहल छै, नेपालोके तरफसँ हामी भरल जाइ छै, किछु होइ छै, नया दिल्लीके तरफसँ बीच बीचमे अबैत रहै छै, नहि ओ अपन हिसाबसँ प्रयास करैत रहै छै जे नहि जाइ भारत सरकारके दिशा, अमेरिका सेहो वन बेल्ट वन रोड BRI प्रोजेक्टके एगेंस्टेमे कहियो बजैत रहै छै, एहिमे नेपालके केना कऽ कऽ आगाँ बढ़ैके चाही, हमरा अहाँके नेशनल इंटरेस्टके बात करियौ। सबसँ पहिने तऽ हमरा अहाँके की बुझत कि बुझऽ पड़ल कि नेपाल अहाँके BRI मे एकटा सक्रिय सदस्य रहतै, ताहिके प्रतिबद्धता ओ 2 साल पहिने जनाकऽ BRI पर हस्ताक्षर सेहो कऽ चुकल छै, लेकिन BRI कोन रूपसँ नेपालमे जे छै से एतै ताहिके जे छै से हमरा नहि बुझाइए कि नेपालमे कोनो नेतो लग रोड मैप छै, या इवन चाइना हमरा बुझाइए कि ई एकटा स्ट्रैटेजिकल समझौता मात्रे कऽ लेल कि भऽ सकै चिड़बऽके लेल होइ। तऽ BRI सँ ऑब्वियसली मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज सब छै, कैलाकि BRI के जेना अहाँ पहिने कहलिए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव एहिके नाम रहै, तऽ हमरा एकबेर मौका भेटल रहै चाइनीज लेक्चरर्सँ जे छै से एकटा सेशन शेयर करऽके, तऽ ओ कहलकै कि एहिके वन रोड वन बेल्ट वन रोडके जे छै से नाम BRI सँ किया एक्सचेंज कयल गेलै, कैलाकि जखन हम अहाँ वन कहै छियै तऽ ओ अहंकार बुझाइ छै। तऽ चाइनीज कतौ ने कतौ ई चीजके जे छै से साइड लाइन कऽ कऽ वन बेल्ट वन रोडसँ जे छै से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पायल छै, जकरा अहाँ डेंग जियाओपिंगके समयमे या अहाँके आइसँ 3-5 दशक पहिने जे छै से सिल्क रोडके रूपमे जे छै से एकटा कॉन्सेप्ट जे छै से आगाँ बढ़ायल गेल छलै। तऽ ऑब्वियसली देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हमरा अहाँके जे छै से बहुत ज्यादा संभावना छै अगर BRI सँ कनेक्ट होइ छी, लेकिन BRI सँ हम अहाँ केना कनेक्ट होबै ई बुझनाइ जे छै से बहुत ज्यादा जरूरी छै, कैलाकि अनलेस एंड अनटिल अहाँ सङ्गे ओही ट्रेनपर जे ट्रेनपर जे छै से अहाँ BRI सङ्गे जे छै से जुड़ऽ चाहि रहल छी, ओहि ट्रेनपर अगर भारत सेहो नहि सवार होइए तऽ सब दिनके लेल अहाँके समस्या हैत। ओ ई हम एहि दुआरे कहि रहल छी कि नेपालके ओपन बॉर्डरके कारण जँ केरुङसँ काठमाण्डू रेल अबै छै तऽ ओ रेल नेपालके लेल तऽ बहुते टाके भऽ जेतै, नहि बुझलियै, ओतेक सामान नेपालेमे जे छै से नेपाल आयात आ निर्यात ओतेक ज्यादा नेपालके नहि छै कि भरि भरिके सब दिन ट्रेनसँ सामान एतै आ नेपालमे जे छै से ओहिके उपभोग हेतै या नेपाल ओतेक सामान जे छै से ओहि ट्रेनमे वापस कऽ देतै चाइनामे जे बिकेतै, हँ तऽ ओहिमे इंडियाके जे छै से नेपालके हेल्प लेबऽ पड़तै। जखन ओहिठामसँ सामान एतै तऽ ओ सामान भाया नेपाल इंडिया सेहो पहुँच सकै छै, आ इंडियासँ सेहो नेपाल सामान लऽ कऽ जे छै से अपन सामान सहित ओहि रेलमे धऽ कऽ चाइना तक पहुँचा सकै छै। तऽ ई एकटा लैंड लॉक कंट्रीके लैंड लीक कंट्रीके तरफ लऽ जेतै। जखन हम अहाँ लैंड लॉकके बात करै छी तऽ ओ एकटा मेटाफोर छै कि जे हमरा अहाँके अपाङ्ग जकाँ महसूस करबैए, हँ भूपरिवेष्टित नेपालके अहाँ अपाङ्ग जकाँ महसूस करबै छी कि हम तऽ इम्हरोसँ फँसि गेली इम्हरोसँ फँसि गेली, लेकिन जखन हम अहाँ कनेक्टिविटीके बात करै छी तऽ नेपालके जे छै से ओ एकटा नया स्विट्जरलैंड बनाबऽके जे छै से भऽ सकैए, ओ एकटा थालनी हेतै जाहिसँ काल्हिके दिनमे नेपाल ओतबे पावरफुल भऽ सकैए जेना एकटा स्विट्जरलैंड जेना अहाँके यूरोपियन स्टेट सबमे छै। देखियौ नेपाल बहुत छोट राज्य नहि छै, इंडिया आ चाइनाके बीचमे छै, ताहि दुआरे हमरा अहाँके बुझाइए कि नेपाल इज अ स्मॉल स्टेट, लेकिन नेपालके जँ अहाँ तुलना करबै कोनो यूरोपियन मिडिल पावर सबसँ तऽ नेपाल ओतबे टाके देश छै, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अहाँ एहि 2 टा बड़का राष्ट्रके बीचमे जे छै से बफर भऽ कऽ हम अहाँके बफर पोजिशनसँ जे छै से एहन पोजिशन पाबऽ पड़त जतऽ
कनेक्टिविटी के जे छै से लीडरशिप रोल नेपाल के भेटै तऽ बीआरआई एहि अपॉर्चुनिटी सबके जे छै से समावेश कऽ के आयल छै, लेकिन नेपाली काउंटर पार्ट सबके आ चाइनीज काउंटर पार्ट सबके ई ख्याल करऽ पड़तै, जेना चाइनीज प्रीमियर के ख्याल करऽ पड़तै, चाइनीज प्रेसिडेंट के ख्याल करऽ पड़तै, नेपाली प्रेसिडेंट के ख्याल करऽ पड़तै कि एहिसँ भारत के सेहो कोनो ने कोनो किसिम सँ जे छै से चुनौती नहि होबक चाही या भारत के कारण चीन के कोनो चुनौती नहि होबक चाही। भारत के बात एलै है, सी जिनपिंग नेपाल आबस पहिले ओत गेल छला, इंडिया गेल छला, ओत जखन ओ सब छला तै के बाद एत सी जिनपिंग एला के बाद इंडियन मीडिया में काफी न्यूज सब एलै ने, नेपाल न्यू श्रीलंका एहन एहन हेडलाइन सब आबे लगलै, श्रीलंका पाकिस्तान तै के बाद कोलोनियल स्टेट एना एना कऽ सब न्यूज सब आबे लगलै, एगो आरो पार्टनर चाइना के दिस जा रहल छै तेहन न्यूज सब आबे लगलै। इंडियन मीडिया कहियौ या इंडिया के डर कैला भऽ जाइ छै जे नेपाल चाइना दिस बेसी स्लिप भऽ जेतै, एक तरफ तऽ कतौ ने कतौ इहो चर्चा होइत रहै छै नेपाल एगो फ्रेंड मात्र छै, स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट नहि छै, तेना तऽ सेहो स्टेटमेंट सब अबैत रहै छै, फेरो एतेक चिंता सेहो बढ़ैत रहै छै, की छै ई आखिर सम्बन्ध? देखियौ, ई नेपाल भारत के सम्बन्ध जे छै से किछु एहन भऽ गेल छै कि जे अहाँके जेना हम अहाँ कोनो मोहल्ला टोल मे रहै छी ने तऽ पड़ोसी सबके कहियो काल के अहाँके जे छै से देखैत हेबै कि भोज मे जे छै से ओ ओकर घर मे काम करै छै, ओ दोसर दोसर के घर मे आबि के काम केलक, बड़ा प्रेम बड़ा सद्भाव बुझायत, हाँ, आ कनिके देर मे जे छै से अहाँके ओ खिड़की खोलि देलक तऽ ओकरा घर मे पानि पसि गेल तऽ झगड़ो होल, ई ओहि किस्म के एकटा सम्बन्ध भऽ गेल छै नेपाल इंडिया के। हाँ, लेकिन ई नहि कहि सकै छी हम अहाँ कि इंडिया के लेल नेपाल अहाँके मात्र एकटा फ्रेंड स्टेट छै, कियाकि स्ट्रैटेजिकली इंडिया नेपाल मे काम करै छै, ई चीज जे छै से जखन अहाँके ई चीज बहुत ही महत्वपूर्ण भऽ जाइ छै फेरो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध मे या डिप्लोमेसी मे, अहाँ जखन पावरसँ सब हार्ड पावरसँ काम करियौ तऽ अहाँ जे छै से कोएर्सिव भऽ जाइ छी, अहाँ मिलिट्री के यूज कऽ सकै छी या विभिन्न थ्रेट के यूज कऽ सकै छी, सॉफ्ट पावर अहाँ जे छै से भऽ सकै छी योगा के, जेना नरेंद्र मोदी विश्व फेमस बना रहल छथिन हॉलीवुड नेपाल मे, हॉलीवुड विश्व मे नेपाल मे बॉलीवुड हॉलीवुड दुनू प्रिय छै, ई सॉफ्ट पावर। लेकिन जखन हम अहाँ स्ट्रैटेजिकल पावर के बात करै छियै या स्ट्रैटेजी के बात करै छियै तऽ ओ शार्प पावर भऽ जाइ छै, ई जोसेफ नाई के एकटा नया कॉन्सेप्ट छै जे इंटरनेशनल रिलेशन के एकटा डोमिनेंट थ्योरी के रूप मे आब हमरा जहाँ बुझा रहल छी बहुत जल्दी स्थापित भऽ जेतै कि आब के समय मे अहाँके जखन स्ट्रैटेजी के बात होइ छै तऽ कोनो भी राष्ट्र अपन इंटरेस्ट के बेसी ऊपर रखै छै, तऽ नेपाल इंडिया से कऽ रहल छै नेपाल संगे, ओ अपन इंटरेस्ट के ऊपर राखि रहल छै तऽ ओ ओकरा राष्ट्रहित के लेल बहुत सही छै, लेकिन भऽ सकै छै उहे हित जे छै से नेपाल के लेल जे छै से बाधक भऽ सकै छै विकास ओहि ओहि मे दुनू के अपन अपन रोल देख के बाद आगा बढ़ पड़त। एग्जैक्टली, तऽ एहि मे ब्लेम मात्र नहि कर सकबै इंडिया के जे एना भेले ओना भेले, हम अहाँ के स्ट्रांग स्टैंड लेबऽ पड़त। एग्जैक्टली, देखियौ स्ट्रांग स्टैंड लेबऽ पड़त अहाँ के, लेकिन इरिटेट कऽ कऽ नहि, कन्विंस कऽ कऽ। यू कैन नॉट डेवलप नेपाल विदाउट इंडिया, ई जे छै से हम अहाँके एतऽ बैस कऽ एहि दुआरे कहि रहल छी कियाकि ई वास्तविकता छै कि तऽ अहाँ जे छै से चाइने जकाँ जेहन चाइना सङ्गे बॉर्डर छै तेहन बना लिअ, तेहन बना लेबै तऽ अहाँके भन्सारमे जे भन्सारसँ आयात निर्यात एतेक सहज अइ ओ नहि हैत, तऽ अहाँ की करबै? तऽ फेरो अहाँके एखन तऽ जे छै से बहुत ज्यादा एखन तऽ नेपाल भारतेके समुद्री बन्दरगाहसँ प्रयोग कऽ कऽ जे छै से नेपाल भीतर विभिन्न किसिमके सामानसब आयात निर्यात कऽ रहल छै, तऽ चिढ़ा कऽ नहि कि ओकरासँ प्रेमसँ बात कऽ कऽ यस यू आर वेरी इम्पोर्टेन्ट फॉर मी, अहाँ हमरा लेल बहुत ही महत्वपूर्ण छी, लेकिन तथापि अहाँ सङ्गसँगे हमरा एकटा आओर मित्रके सङ्गे लऽ जाके जे हमरा लेल ओतबी महत्वपूर्ण, जेना हमरा अहाँ सङ्गे अगर सम्बन्ध बढ़िआँ अइ तऽ अहाँ हमरा सङ्गेके सम्बन्धमे हमरा अहाँके सम्बन्ध बढ़िआँ रहे ई प्रार्थना करब, ई नहि कि अहाँसँ हम जतेक नजदीक छी से दोसरोसँ नजदीक अगर भऽ जाइ छी ओ बचपना भऽ गेल, ई भारतके जे छै से या नेपालके बचपना हेतै अगर ई सोचै छै कि इंडिया चिढ़ जेतै या अहाँके भारत अहाँके खिसिया जेतै, ई जे छै से इंटरनेशनल मात्रे होइ छै। एगो चर्चा आरो जे बार बार अबै छै जे चाइना एड के मार्फतसँ पेनिट्रेट करऽ चाहै छै, एगो कहियो ने डोमिनियन कॉलोनी कहियो या जे कहियो बनबऽ चाहै छै, एग्जाम्पल दऽ देल जाइ छै श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लेल ओ लीज पर लिया गेलै ने, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, वेस्टर्न अफ्रीका मे सह स्थिति छै, नेपाल के सेहो वएह भऽ जेतै, बार बार इंडियन आर्टिकल सब अबैत रहै छै, एतौ के आर्टिकल सबमे कतौ ने कतौ मेंशन भऽ जाइ छै त्यस्तो हुनु भए ना एना ओना छै, रिस्क छै या एहि पर? ऑब्वियसली अगर अहाँ एसिमेट्रिकली डिपेंडेंट भऽ जेबै, हम अहाँके ई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज छै, हम अहाँके बेर बेर एहि सम्वादमे जे छै से एहि टॉपिकपर जे छै से ध्यान आकर्षण केलहुँ, एहि दुआरे केलहुँ हँ
हालांकि एसिमेट्री यहाँ के जे छै से एकटा पार्टनर के हावी कऽ दै छै, तो वाई अहाँ एहन कथला कोनो काम करबै जे अहाँ जाहिसँ चाइना देश पर हावी भऽ जाए, बैलेंस कऽ के किया नहीं चलबै, जाहिसँ जे छै से चाइना के इंडिया तक पहुँचऽ के लेल, जेना अहाँके इंडिया चाइना बीच जे ट्रेड वॉल्यूम छै से बहुत ज्यादा छै, हम अहाँ कल्पनो नहि कऽ सकै छी ताहि वॉल्यूममे ओसब ट्रेड करै छै, तऽ इंडिया चाइना के बढ़िआँ सम्बन्ध छै, एहिसँ पुष्टि होइ छै। आ दोसर बात, नेपाल सङ्गे जते नाका सबके एखन बात भेलै, जेना चारिटा अहाँके समुद्री नाकासँ बात भऽ रहल छै अहाँके व्यापार करऽके, तहिना अहाँके तीनटा अहाँके जे छै से सूखा बन्दरगाहके सँ जे छै से बात करऽके भऽ रहल छै, इंडिया आ चाइनाके ट्रेड एकेटा नाकासँ होइ छै जे नथुला पाससँ, तऽ हम अहाँ कतौ नहि कतौ इहो देखऽ पड़त कि ओतेटाके इंडिया आ चाइनाके बीचमे एकेटा नाकासँ मात्रै व्यापार भऽ सकै छै, तऽ भऽ सकै छै ओ नेपालके लेल अपॉर्चुनिटी छै। नथुला पाससँ अहाँके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट केनाइ इंडियाके लेल बहुत चैलेंजिंग छै, कैलाकि सिक्किमके ओ एहन भेगमे छै जतयसँ अहाँके भौगोलिक रूपमे बहुत ज्यादा अहाँके चुनौती भऽ सकै छै या भइयो रहल छै, ओहिठाम सेना राखि कऽ अहाँके विभिन्न किसिमसँ जे छै से काम काज करबा रहल छै इंडिया, तऽ चैलेंज सेहो छै। तऽ नेपाल सङ्गे अगर जुड़ि जाइ छै BRI मे इंडिया, या चाइना सङ्गे BRI मे इंडिया जुड़ि जाइ छै, तऽ नेपाल तऽ एकटा माध्यम भऽ जेतै ने, जतयसँ भऽ सकै छै नेपालके एकटा नाका यूज कऽ सकै छै इंडिया, ओहि बापत नेपालके किछु दऽ सकै छै। ईसब बहुत ही गंभीर विषय सब छै, एहिसब विषय पर सोचनाइ जे छै से तीनू देशके ओतबी आवश्यक छै। आ देखियौ, एकटा सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रके चीनो छै, भारतो छै, नेपालो छै, तऽ ओकर सबके राष्ट्रहित सर्वोपरि होइ छै, परराष्ट्र नीतिके एकेटा जे छै से प्रिंसिपल पॉलिसी छै। जब अगर अहाँ नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट पर अगर काम नहि कऽ सकली, तऽ अहाँके परराष्ट्र नीतिके जे छै से कोनो काम नहि। तऽ नेशनल इंटरेस्ट तऽ अहाँके सिक्योरिटीके जखन बात होइ छै या नेशनल इंटरेस्टके बात होइ छै, तऽ नेशनल इंटरेस्ट भाया नेशनल सिक्योरिटी, बट नेशनल सिक्योरिटी आइके जमानामे इकोनॉमिक इंटरेस्ट तऽ पाछा पड़ि गेल छै। एहि दुआरे पाछा पड़ि गेल छै कि हम अहाँ लिबरलाइजेशनके बात करै छी, कि एखन जखन अहाँ जे छै से पूरे विश्वके सन्तुलनके बात करबै, तऽ विश्वके पावर नहि चला रहल छै, विश्वके सम्बन्ध चला रहल छै, जियो पॉलिटिक्स नहि कि जियो इकोनॉमिक्स अहाँके आब नेपालके या देशके विभिन्न राष्ट्रके चला रहल छै। चर्चा करऽके लेल तऽ मानि लिअ समय बहुत कतेक चर्चा करबै, आब जे समय सीमा छै ओहिमे आब कतौ हमरा सबके अथी भऽ रहल छै। एगो लास्ट क्वेश्चनमे एंड करऽ चाहब आइके डिस्कशन, नेपालके लेल चाइना आ इंडिया दुनू पार रहल छै, दुनू देशके लेल आगा मतलब एक हिसाबसँ ने बैलेंस कऽ कऽ आगा बढ़ी, सबदिनसँ ई बात तऽ अबै छै, लेकिन आब आबि कऽ जखन हम अहाँ मानि लियौ शी जिनपिङ्गके सेहो भ्रमण करबा लेली, नरेन्द्र मोदीजीके सेहो भ्रमण होइत रहै छै, बैलेंस कऽ कऽ केना आगा बढ़ी, एक दूटा कंट्रीके कन्फ्लिक्ट नहि होबय दी, नहि अपन लैंड एक दोसरके लेल नहि यूज होबय दी, आ साथ साथे जेना अपॉर्चुनिटीके बात कहलियै अहाँ, ट्रेड होइ बिजनेस होइ, केना बढ़ायल जा सकै छै? देखियौ, ई एकटा जे छै से अहाँके एकटा प्लेटफॉर्म छै नेपालके लेल भारत सङ्गेके सम्बन्ध विस्तार करऽके, या अहाँके जेहन सम्बन्ध छै ओहिसँ सुमधुर सम्बन्ध बनाबऽके, या चाइना सङ्गे एकटा नया सम्बन्धके आयामके जे छै से शुभारम्भ करऽके, तऽ एहिसब विषयपर अहाँके संवेदनशील सबसँ पहिने नीतिमे स्पष्टता बहुत जरूरी छै। जेना शी जिनपिङ्गके जँ यदि BRIके बारेमे नेपालके प्रधानमन्त्री कोनो स्टैंड लऽ कऽ कोनो बात कहलखिन ने, तऽ ओहिपर अटल हुअ पड़लै, तब शी जिनपिङ्ग अहाँके जे छै से, अगर अहाँ फेरो इम्हर शी जिनपिङ्गसँ जे छै से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिवके बारेमे बात करै छियै, आ दोसर दिस अहाँ फेरो अमेरिका चलि जाइ छी, ओहिमे इंडो पैसिफिकमे सेहो हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर छी सेहो कहै छी, तऽ गलत छै। अहाँके अपन क्लियर स्ट्रैटेजी बनबा, हँ अहाँके इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीके या इंडो पैसिफिक अलायंसके केना अहाँसब कम नोकसानी कऽ कऽ, या बिना नोकसानी कऽ, कम नोकसानी नहि, अहाँ नोकसानी करबै तऽ अहाँके तऽ थ्रेटेक, कैलाकि इट्स रिलेटेड टू इंडिया एंड अमेरिका, तऽ बिना नोकसानी कऽ कऽ BRI सँगसँगे आगाँ बढ़ि सकै छी। ई बातपर जे छै से प्रतिबद्धता जन्मऽ पड़त, नॉट ओनली विथ इंडिया बट ऑल्सो विथ चाइना, तकर बाद मात्र जे छै से हम अहाँ एकटा कॉमन ग्राउंडपर आबि कऽ अपन राष्ट्रहितके संरक्षण कऽ सकै छी। आ परराष्ट्र नीतिके जे मेन उद्देश्य होइ छै, जे हम अहाँ पञ्चशीलके से सिद्धान्त करै छी, या नॉन अलाइनमेंटके नेपाल संस्थापक सदस्य रहल छै, तऽ ई सब नीतिके अवलम्बन कऽ कऽ हम अहाँ जे छै से आगाँ बढ़ सकब। लास्टमे, परराष्ट्र नीति कहियौ या परराष्ट्र मंत्रालय, मंत्री, ब्यूरोक्रैट, आरो सक्षम व्यक्तिके आवश्यकता देखै छी? एखन हमरा बुझाए नेपालके
विगत के किछु समयसँ जे किसिमके परराष्ट्र मन्त्रीसभ रहल छथिन ओहिसँ एखन एकटा सबल आदमी परराष्ट्र मन्त्री छै। हँ, जखन सीजन डिप्लोमैटसभके बात अबै छै तऽ किछु वेटरन डिप्लोमैटसभके जेहन समूह राम सिंह खड्डा सरसभ छथिन, तकर बाद हमरसभके डिपार्टमेंटके इंटरनेशनल रिलेशनके अहाँके जे छै से प्रोफेसर छथिन डॉक्टर खड्ग केसीसभके, तऽ हिनकासभके पॉलिसी मेकिंगसभमे हम किछु नाम मात्र लेलहुँ, जेना नीलाम्बर आचार्यके राजदूत बनेलखिन तऽ बहुत सरकार बहुत बढ़िआँ काम केलकै, कैलाकि इज सीजन एंड कैम एकटा जे छै से वेटरन डिप्लोमैट छै नेपालके नीलाम्बर आचार्य, तऽ ओहि किसिमसँ एहन व्यक्तित्वसभके शम्भू राम सिंह खड्डा खड्ग केसी सभके जे छै से सेहो पॉलिसी मेकिंगमे जे छै से प्रत्यक्ष सहभागिता कराकऽ डिप्लोमैटसभके आगाँ बढ़ल छै। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ बातचीत केलहुँ एतेक। बहुत हमरा जे छै से अहाँ सङ्गे बात जखन जखन करै छी तऽ बहुत गर्व महसूस होइए आ ई विषय हमरासँ जुड़ल रहै, ताहि दुआरे हम अहाँके विशेष धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आइके प्राइम टाइमके चर्चा एतै समाप्त होइत अछि। हमसब फेरसँ अगिला दिन उपस्थित हेबे करब, ता धरिके लेल सम्पूर्ण यूनिटके तरफसँ विदा मङ्गै छी। अहाँसब ई कार्यक्रम हमर सबके सामाजिक सञ्जाल यूट्यूब आ फेसबुकपर सेहो दऽ सकै छी, ओतऽ अपन सलाह सुझाव सेहो पठा देब। आइके लेल सम्पूर्ण यूनिटके तरफसँ विदा मङ्गै छी। अपन टेलीविजन अहाँसब देखैत रही। धन्यवाद, नमस्कार।